कि सतगुरु जी ने दवा दिया मन जो कुछ खो रखा था, बालकपन में दयाली मन सब दुख रो रखा था, न्यू बोले क्यों फेरे भरमता, क्यों जंग जो रखा था, लक्ष्मी चंद तू काट लिए तन जैसा बो रखा था, ये खेत बता दिया काटन खातिर, दे दी ज्ञान दराती, सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं हमारे। इंदर सिंह जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। लकड़हारा आका घेर के खड़ा हो गया, बिना इतने रुपये लिया आई के करेगी रुपया का, निवली पिया जी करण गए तो बतेरे काम, जो फरमाइश थी वो यहां से शुरू हो जाएगी जी। करण गए बतेरे काम, पहला काम वो करिए जो आपका धर्म बनता है, जो आपका फर्ज बनता है। करूं कि आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी मां का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया, हाँ बिना करिया है, क्या आपने उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया, पियाजी गंगा मैया में जब तक अस्थियां प्रवाहित नहीं होती तो उसका मोक्ष उसकी मुक्ति मानी नहीं जाती, आपने अस्थियां गंगा जी में बहाई। निवला बिना मत न्यू डट गया मां कदे तुमने ना सुना आपस में होली हो तो पूरी चालू के, जब तक गंगा मैया अस्थियां प्रवाहित नहीं होती हैं तो उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती है, आपने अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करी कि नहीं करी, ये गंगा मैया इस दुनिया में मोक्ष दाई नहीं। लकड़ारा ने बोला थमिए, क्यों लकड़ारे ने बेरा ना गंगा स्कूल का नाम से, बाजार का नाम से, बिल्डिंग का नाम से, निबला डट क्या हो से गंगा वाला खाए, निबली भोले माने से तन न्यू ना बेरा गंगा के हो, निबला इतना है बेरा है अड़े तलाकड़ी काटनी, लाला जी का गेर गेरनी रोटी खानी और कोई काम नहीं। वो बिना बताती है गंगा जी केस है, क्यों से इस धरती पर क्यों आई, कौन ले आया, क्या आने का कारण हुआ, क्या ब्रह्म रूप भगे वान जो से ओ या निकली गंगे लोक में इंसानों की वक्ति करण ने आई थी ब्रह्मरूप भगवान ज्योत से नगरी गंगे आई थी जत लोक में इंसानों की वक्ति करण ने ओ भगवान जो से निकली गंगे में आई थी मृत लोक में इंसानों की गति करण में आई थी। अमेरिका इंग्लैंड जापान रशिया फ्रांस सारी धरती पर कित जाए यो गंगा जी हिंदुस्तान में और कित भी नहीं है। और गौर से सुनना कितने बड़े तप के बाद आशीर्वाद स्वरूप इस धरती को ये प्राप्त हुई थी। ऐसा कहते हैं आज भी जय की जगह 20-30-50 जवान छोरे हो वो गलत बात ने भी ठीक दकाने की सोचेगा काम में क्योंकि लठा का जोर। सूर्यवंश राजा सगड़ जिसके 60,000 पुत्र बताते हैं जब 20-30 आड़े का हंग आना रटे 60,000 आड़े के तड़वे बड़े बड़े नहीं उठे गट्टिया ना जा
अश्वमेघ यज्ञ करवा दिया, श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया, तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवा दी, सगड़ का घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा, जहां से घूमे या तो सगड़ की अधीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो, घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमया, जो देखा चुनौती को पढ़े वो दूर लिकट जा, क्यों करड़ाई तो सब नडर लागे, सत्य मुलटा हटे। ऐसा कहते हैं इंद्र भगवान की नजर पड़ी, बन्यू तो धरती पर सगड़ सगड़ रहेगा, को लठा के जोर में तो नहीं हरा सकता, हाँ को तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता। न्यू ने सूरज ढल्या, इंद्र भगवान ने घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि भजन में बैठे हुए थे, कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। एक हफ्ता बीत गया सजनों, ना को घोड़े की खबर आई, वे छोरे घर हाँ बतलाव रहे, अड़म मूछा ने पहनाए खड़े रहो, वो घोड़ा तो बांध लिया किसने किसने, और घोड़े की तलाश में फौज लेकर निकले, जाके देखे एक तपस्वी तपस्या में बैठा, घोड़ा आश्रम का बाहर बंध रहा, देख कर मजाक उड़ाओ, देखो रे अरे मोड़िया की हिम्मत, सगड़ का घोड़ा बांध रहा, और जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं, लात मारी माथा लग गया बाबा जी का भी आग लाग, भजन टूट गया। और कपिल मुनि ने गुस्से में जिधर भी दृष्टि डाली, सारी फौज सारा परिवार सब फूंक गया, फूक कर भसम कर दिया। 15 रोज बीच के ना घोड़ा ना को परिवार की खबर आई, सगड़ का पोता अंशुमान वो परिवार की तलाश में आता, आकर ऋषि आश्रम पर देखा सब कुछ नष्ट हो पड़ा, अश्रुधारा बहने लगी जाती, हे परमात्मा जुलम, एक ऋषि के श्राप से नष्ट हुए भसम हुए, इनकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, इनकी आत्मा भटकेगी, कोई ठिकाना नहीं। आज भी मानस मरे जब गरुड़ बचवावे, अरे क्यों बचवावे गरुड़, क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था, वहां अंशुमान से गरुड़ की मुलाकात हुई थी, निवला रोव मत, मैं बताऊंगा विधि अपना ले, इनकी आत्मा भटकेगी नहीं, इनकी आत्मा ने शांति मिलेगी, के करूं भाई इनकी अस्थियों को इनके फूल गंगा जी में बाहे जा, इनकी आत्मा शांत हो जा। और गौर करियो गंगा जब तक धरती पर नहीं थी, निवला भाई गंगा के उसे के देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी, निवला इनके फूल उठा के देवलोक में ले जा, निवला फूल देवलोक में ना जा और गंगा धरती पावे, वाह चुप कर आवे व भजन करने से आवे। उसी दिन से राजपाट छोड़ के अपने पुरखों की पितरों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान भजन में बैठ जाता। इस गंगा ने ल्यावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए, 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप करके, पर गंगा नहीं आई। फिर अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लेने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। पांचवी पीढ़ी में भागीरथ आया, जुन सा मरा अगली पीढ़ी का जुम्मा ला दे, जब तक गंगा नहीं आवे हमने उसके भजन में रहना। भागीरथ भी परिवार की रिवाज निभाता, वो भी भजन में बैठ गया। 1,000 साल जब हो गए गंगा नहीं आई, ब्रह्मा जी आए, अरे क्यों बैठे जो हे महाराज, गंगा के लिए गंगा न्यू आओगी, अगर गंगा को लाना तो पहले उसने राजी करो ना, कौन उठेगा धरती पे, एक धारा भी छोड़ देगी सब जम्बे जगह के जम बचेगा। राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर, 1,000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और, मृत लोक में लाऊं गंगा, उन्हें लाया एडी चोटी जोर, अरे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी, पर पहले करो शिव का मान, शिव के बिना इस धरती पे को डाटनिया ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती, शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग, गंगा थी गुमान भरी करने लगी सबको तंग, एक बार ऐसा लगे शंकर ने भी पा लिया संग, क्यों, क्योंकि जब वह मूसलधार बरसन लगी, शिव शंकर ने डाटिया गात, बिंदु सार हिमालय पे छोड़ दे धार सात, तीन धार पूर्व का नी तीन पश्चिम का नी जात, सात धाराएं थी, तीन पूर्व की तरफ तीन पश्चिम की तरफ, एक धारा वचनों में बंधी हुई भागीरथ के पीछे चली थी, पर जब इतने 1,000 साल के तप के बाद सारे देवता ने कहे गंगा तो धरती पर जाना पड़ेगा, और गंगा हाथ जोड़े खड़ी थी, महाराज मत चली तो जा, पर मेरे को डर लगता, क्या कहा, गंगा ने अपना डर देवताओं को बताया, देवताओं ने गंगा का डर मिटाया, जब गंगा धरती पर आई चुप कर आई क्या ले लिया।
इसे बोली अपने मन में घबरा के रक्त लोक में ये पापी बंदे पार चढ़ावे आ आके भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके तेरा विवार उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना रे करनी से भागीरथ की करनी से रत मोक्ष कुट मन पाई थी रत लोक में इन सालों की कभी करने ओ रूप भगवान ज्योत से लगे मारी रत लोक में इन सालों की कभी करने आई ओ रत लोक में इन सालों की कभी हिंदुस्तान की शान अपनी आवाज के दम पर इस गांव का इस इलाके का अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हमारे लिए आदरणीय भजन सम्राट बड़े भाई नरेंद्र कौशिक जी 1100 रुपए से आशीर्वाद मान सम्मान हौसला अफजाई पार्टी करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। देखिए ये है जादुई कविताई जो कभी मिट नहीं सकती जितनी वह सोना उतनी वह अच्छी लागत है जुलम कोई भी गाना के मान लो महीना 20 दिन 6 महीने में बोर हो जावाना इन तनाव कई बस सुन दे जो थीम है रागनी की वो तो पूरी हो गई वह गंगा क्यों आयर कौन ले आया कली तो 3 हो रहेगी अनपढ़ ब्राह्मण की जादू ही रचना है भेद नहीं लागन दे रहा और शिक्षा तो न्यारा कोई जकर नहीं हर भजन में शिक्षा है कली एक पूरी दूसरी कली में इस दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि है राजा की और दादा नहीं बताओ राजा कौन बनेगा राजा कौन बनेगा कदे इस इलेक्शन तो पहले किसने नाम सुने था खट्टर झूठा भी किसी ने कह के देखा हो तो बता दो अगले उम्र कह दिया हो किसी ने हाँ बेराई बला क्या हरियाणा में खट्टर नाम की भी कोई प्रजाति है ना न्यूवा ना बेरा था खट्टर भी साढ़े गांव का मेंबर भी नहीं बनया पहला इलेक्शन लड़िया सीधा मुख्यमंत्री बनया हर शर फुड़ा लिया सारिया ने इसने राज का अनुभव कोन्या इसने न्यू कोन्या इसने वो कोन्या सब कमचूतर रगड़ी का मर गया सीधा मुख्यमंत्री बना कोई नहीं रोक पाया देश की राजधानी है किसी देश की राजधानी होना छोटी बात नहीं है देश की राजधानी है 50-50 करोड़ रुपया बर्बाद करें लोग बैठे टिकट भी ना मिला हरियाणा तो एक बणिया छोरा गा सारी दिल्ली गुड़गड़ी बनाकर मुख्यमंत्री बने बैठा और जब दोबारा बन जाए तो ताज्जब नहीं है सब गाड़ दे हैं रे नाश कर दिया फिर जब दोबारा आ जाए तो ताज्जब मत मानियो क्योंकि कर्म तकदीर एक बड़ी चीज है सब सो दे तकदीर के माए फकीरी आली उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है कनफाड़ा बाबा जी हेउड़े का मुख्यमंत्री है उछड़ पाड़ लो कोई अरे उसके भाग में बाबा हो कभी राजयोग है बाबा हो कभी राज करना लिख रखा है कौन बनेगा राजा फार्मूला है जिसका राजनीति की खाज हो तो इस कली पर गौर करना जब बात बनेगी अरे जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करे जो धर्म करे वो राजा बने जो राजा बने वो नीतियां तय करे वे नीतियां तय करे उस राजा को नरक मिले या मोक्ष मिले क्या क्या लिखा तीसरे नंबर पे Let's
गुण दान करण में हाथ ना चाहिए सख्त दिया हो दया से धर्म धर्म से राजा राज से नीति भक्त दिया चलो चले श्री गंगा नहाने जो लकड़िया जा से भक्त दिया चलो चले श्री गंगा नहाने जो लकड़िया जा से भक्त दिया इस ओटे मेरे दर्शन हो जा गंगा जी ना नाई थी Whoa!